नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन इटवा इकाई की बैठक हुई संपन्न। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। काफी संख्या में पत्रकारों ने बैठक में लिया हिस्सा। जनपद सिद्धार्थनगर में इटावा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे के पहाड़ापुर रोड पर स्थित आज अखबार कार्यालय पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएटेड एवं इटावा इकाई की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता इटावा तहसील अध्यक्ष डॉक्टर जंग बहादुर चौधरी ने की। बैठक का संचालन पत्रकार नियम उल्लाख ने किया। बैठक में संगठन के विस्तार व कार्य की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। महामंत्री रवि पांडे ने संगठन के दायित्व को बताते हुए कहा है कि सभी साथी स्वच्छ व पवित्र पत्रकारिता पर विशेष ध्यान दें, भ्रामक व असत्य खबरों को प्रकाशित करने से परहेज करें, समाज में असहायों की आवाज बनकर निर्भीकता पूर्वक तरीके से उसे प्रकाशित कर शासन व प्रशासन के सामने लाए। साथ ही हम सबको एकजुट रहकर काम करना चाहिए। तहसील अध्यक्ष जंग बहादुर ने कहा, आज पत्रकारिता में पेड़ खबरों की जगह ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जो देश व समाज के लिए काफी चिंताजनक है। जो पत्रकारिता के नाम पर छल कपट करते हैं, हम सबको उनसे दूर रहकर अपनी निष्पक्ष लेखनी के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान देना चाहिए, ताकि समाज गरीब असहाय आदि लोगों को जो पत्रकार व पत्रकारिता से उम्मीद रखते हैं वह कायम रहे। पानी, सड़क, बिजली, आवास आदि विभिन्न मुद्दों पर सामाजिक सरोकार रखते हुए लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को भी उनका हक मिले। इसके साथ साथ अपने आसपास में हो रहे अत्याचार, हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं, हो रहे गड़बड़ झाले पर प्रकाश डाले, ताकि समाज में ऐसे विषयों पर से पर्दा उठ सके और ऐसी बातें समाज के साथ साथ शासन व प्रशासन स्तर तक पहुँचे। इस दौरान बैठक में संगठन की मजबूती व विस्तार को लेकर आपस में चर्चाएं की गई और आगे एक सम्मान समारोह आयोजन करने की भी संगठन की तरफ से रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान उपस्थित विभिन्न पत्रकार डॉक्टर निसार अहमद एसोसिएशन के जिला संगठन मंत्री संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी, नसीम अहमद, रवि प्रकाश पांडे संगठन महामंत्री, अमर भारती अखबार से राजेश कुमार उर्फ गुड्डू, अंकित चतुर्वेदी, नियम तुल्लाह व आदि पत्रकार साथी मौजूद रहे। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। बैठक का मूल उद्देश्य क्या था और पत्रकारों हित के लिए आपने क्या किया और क्या क्या करना चाहेंगे? मैं रवि प्रकाश पांडे, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इटवा इकाई। आज जो मासिक बैठक इंडियन जर्नलिस्ट की संपन्न हुई, इसमें पत्रकार के हितों को लेकर के विचार विमर्श चर्चा की गई, साथ ही संगठनात्मक विस्तार को लेकर के भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से संगठन का हमारे विस्तार हो और हमारे संगठन के साथियों का कहीं उत्पीड़न ना हो पाए, इसको लेकर के आज की यह बैठक संपन्न हुई। और यह हर मासिक, हर महीने में यह बैठक संपन्न होती है और हर महीने पर यह विचार विमर्श चलता है और चलता रहेगा। संगठन का विस्तार हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है, जिसमें पत्रकारों का हित सुरक्षित रहे, इस पर हमारा संगठन पूरा कार्य कर रहा है।